नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रवि गुप्ता है। मैं मुंबई के वोकार्ड हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ और आज मैं आपसे एक बहुत इंटरेस्टिंग केस के बारे में बात करने वाला हूँ। 46 ईयर ओल्ड पुलिसमैन मिस्टर कांते हमारे पास में आए। सीवियर चेस्ट पेन था और वो रेडिएट कर रहा था बैक को। इन पेशेंट की हिस्ट्री ये है कि इनको पहले बेंटाल सर्जरी हुआ फॉर aortic dissection। ये एक बड़ी अनकॉमन बीमारी होती है जिसमें aortic valve को चेंज किया जाता है और aortic valve के ऊपर जो aorta होता है वो aorta भी dilated था, dissection था वहाँ पे। तो उनकी एक ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी पिछले एक डेढ़ साल पहले। पेशेंट ने अच्छे से रिकवर किया। अभी पेशेंट दोबारा हमारे पास में डायसेक्शन लेके आए। डायसेक्शन का मतलब वो आर्टरी बिल्कुल फटने की कगार पे होती है और aorta जो हमारे हार्ट से निकलने वाली सबसे बड़ी ट्यूब है, अगर वो पूरी तरह से फट जाएगी तो पेशेंट को लाइफ इमीडिएटली जाएगी। तो ये एक बड़ी ट्रिकी सिचुएशन होती है जिसमें हमें पेशेंट को स्टेबल करके उसको हमें उस लीकेज को बंद करना है। तो ये एक ट्रिकी सिचुएशन थी। इसमें हम लोगों ने एंडोवास्कुलर ग्राफ्ट करने का प्लान किया क्योंकि एक सर्जरी पहले हुई, दूसरी बार ओपन हार्ट सर्जरी के लिए भेजना भी अपने आप में एक रिस्क है और पेशेंट को हमें बगैर ऑपरेशन के सर्जरी करने का हमने प्लान किया। तो जब ये ट्यूब हार्ट से निकलती है तो ये ऊपर तीन नसें बड़ी निकलती हैं जिनको ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक, कैरोटिड आर्टरी और सबक्लेवियन आर्टरी बोलते हैं, जो कि हमारे दिमाग की नसों को और हाथों की नसों को ब्लड देती है। हमारे लिए ट्रिकी सिचुएशन ये थी कि जो हमें स्टेंट डालना था उसको हमें सबक्लेवियन के जस्ट, मतलब ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी निकली वो हेल्दी है, उसके बाद में लेफ्ट कैरोटिड और सबक्लेवियन उसके बीच से चालू करना था। तो हमारा जो भी डाइसेक्शन पार्ट है वो मिस ना हो, एट द सेम टाइम जो आर्टरी हाथ को सप्लाई करी वो पिंच भी ना हो, वो दबनी भी नहीं चाहिए। तो हम लोगों के लिए स्टेंट डिप्लॉयमेंट थोड़ा सा ट्रिकी था। वो काम बहुत अच्छे से हुआ, सारा का सारा डाइसेक्शन हमारा अच्छे से कवर हुआ एंडोवास्कुलर ग्राफ्ट से, जिसको कि हम लोग थाई से गए। हमारा पेशेंट कॉन्शियस रहता है, इसमें कोई वेंटिलेटर नहीं होता, ये एक नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है। माई पेशेंट इज़ डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। अभी करीब इस प्रोसीजर को किए हुए हमें 8-10 महीने हो गए हैं और वो फॉलोअप में मुझे दिखा रहा है, ही इज़ डूइंग वेरी वेल। नमस्कार, माझं नाव राजेंद्र बबनकंठे, माझं वय आहे 46 वर्ष। मी बृहन्मुंबई पोलीस दलात पोलीस हवालदार म्हणून काम करतो आहे आणि माझी सध्याची नेमणूक भोईवाडा पोलीस स्टेशनला होती गुन्हे प्रतिकरण पथकामध्ये। मला 27/2/2021 रोजी हृदयविकाराचा एक झटका आला होता कर्तव्यावर असताना, तेव्हा माझं ओपन हार्ट सर्जरी झाली होती। त्यानंतर एक वर्ष मी सतत कामावर असताना मला पुन्हा कामामध्ये त्रास होत होता, घाम येत होता, थकवा जाणवत होता। तेव्हा मी वोकहार्ड हॉस्पिटलला डॉक्टर रवि गुप्ता यांच्याकडे मी रुटीन चेकअपला मी आलो असता तर त्यांनी मला तुमच्या हार्टमध्ये aortic स्टेंट ग्राफ्टिंग करावी लागेल असं त्यांनी मला सल्ला दिला। त्यांच्या सल्ल्याप्रमाणे 25/5/2022 रोजी मी वोकहार्ड हॉस्पिटल इथे रुग्णालयात मी ॲडमिट झालो व त्यांनी माझ्या हृदयावरती शस्त्रक्रिया करून माझ्या हार्टमध्ये aortic स्टेंट ग्राफ्टिंग केलेलं आहे। त्यामुळे आता पहिल्यापेक्षा एक वर्षात जो मला थकवा, जो आजार पण जाणवत होता, तो आता मला 8 महिन्यामध्ये ते 1 वर्षामध्ये काहीही जाणवत नाही आहे। डॉक्टर रवी गुप्तांनी जे माझं ऑपरेशन केल्यापासून पहिल्यापेक्षा जास्त मला बॉडीमध्ये एनर्जी आणि जास्त पहिल्यापेक्षा कम्फर्टेबल वाटत आहे। ज्याप्रमाणे माझे हृदयविकाराचे 2 ऑपरेशन झाले आणि डॉक्टर रवी गुप्ता या सरांनी जे मला या पूर्णपणे बरं केलं, तसं भविष्यात कुणाला माझ्यासारखा हृदयविकाराचा कुठला आजार असेल तर त्यांनी अंगावर न काढता किंवा डॉक्टरांचा वेळेवर सल्ला घेऊन त्याच्यावर उपचार करून तुम्ही भविष्यात निरोगी आयुष्य जगू शकाल।